की कोशिश की है। सुरक्षा बलों के रोकने पर चाकू निकाला, बाइक से संसद भवन के गेट पहुंचा था संदिग्ध। सुरक्षा बलों ने अज्ञात शख्स को कब्जे में ले लिया है। पुलिस अज्ञात शख्स से पूछताछ कर रही है। हालांकि संसद भवन में घुसना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, चूंकि 9 लेयर की सुरक्षा है, लेकिन इसके बावजूद ये पूरी कोशिश कर रहा था घुसने की, लेकिन इसे पकड़ लिया गया। गेट नंबर 1 से इसे पकड़ लिया गया। इसने चाकू भी दिखाने की कोशिश की। पुलिस गिरफ्त में है। ये आप देख सकते हैं, इस जिप्सी में वो आरोपी बैठा है। संसद भवन के गेट से ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा बलों ने इस अज्ञात शख्स को पकड़ लिया है। पुलिस अज्ञात शख्स से लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिरकार वो संसद भवन के अंदर चाकू लेकर क्या करने जा रहा था। सुरक्षा बलों ने अज्ञात शख्स को कब्जे में ले लिया है। पुलिस अज्ञात शख्स से पूछताछ लगातार कर रही है। संसद भवन में ये घुसने की कोशिश कर रहा था चाकू लेकर। ये देखिए, ये वही बाइक है। रवि सर्राफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि, क्या ये विजय चौक वाले गेट से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था पार्लियामेंट के? जी बिल्कुल राहुल, देखिए विजय चौक वाले गेट से ही अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सुरक्षा बल ने रोकने की कोशिश की तो उसने एक बड़ा चाकू, ये कहा जाए कि तलवार के रूप वाला चाकू उसने निकालकर हवा में लहराने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने फौरन मुस्तैदी के साथ उसे पकड़ा और अभी सुरक्षा बल उसे पूछताछ कर रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से वो संसद भवन के अंदर जाना चाहता था और रोकने पर तलवार जैसा चाकू क्यों निकाला, क्या उसके मन में चल रही थी। इन सभी बातों का सुरक्षा बल उनसे लगातार पूछताछ करेगी। हालांकि देखिए मोटरसाइकिल से यह शख्स पहुंचता है विजय चौक पर और अचानक मोटरसाइकिल, चलिए यानी पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बांदा चलेंगे बच्चे।